Assalamu alaikum students. Today our topic is report writing. Report writing is an essential skill for professional in almost every field. Accountants, teachers, graphics, designers, information scientists. The basic idea of the report writing is informing others. यानी हम कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे तो इट मीन दैट वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म समवन एल्स. रिपोर्ट राइटिंग इज रिटन बाय अ पर्सन हु विटनेस हैपनिंग ऑफ सम इंसिडेंट्स. अगर कोई इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ है तो उसका कोई आई विटनेस है और वो अगर चाहता है कि उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन को दे जो उसकी अथॉरिटी कहलाए. यानी अगर कोई इंसिडेंट है, अगर वो हुआ है तो मैं अगर चाहता हूँ कि उस इंसिडेंट को इन्फॉर्म करूँ अपने अथॉरिटीज़ को, तो आई एम गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट. ठीक है, मैं क्या करूँगा, उस इंसिडेंट को टेक प्लेस होने वाले इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाकर अपनी अथॉरिटीज़ को सबमिट करूँगा. रिपोर्ट इज़ यूजली रिटन फॉर दोज हु हैव नॉट विटनेस द इंसिडेंट्स. अब ये जो हम रिपोर्ट लिखेंगे, ये हम लिखने वाला वो पर्सन होगा जो आई विटनेस होगा इंसिडेंट का, और जिसको लिखी जा रही है वो हमारी अथॉरिटी है एंड ही हैव नॉट विटनेस द इंसिडेंट्स. उसने उस इंसिडेंट को नहीं देखा. अब जब हम उस इंसिडेंट को लिखने जा रहे हैं तो हम उसको इस अंदाज से प्रेजेंट करेंगे कि जिसको हम लिख रहे हैं उसके सामने वो क्लियर इंसिडेंट ऐसे लगे कि जैसे वो खुद वहाँ पर इंसिडेंट को देखने वाला था. ठीक है, यानी उसको वो टोटल क्लियर फॉर्म में हमने वो इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग के अंदर प्रेजेंट करना होता है. नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज रिपोर्ट. अ रिपोर्ट और अकाउंट इज एनी इंफॉर्मेशनल वर्ड. इट मीन दैट इट इज़ एन इंफॉर्मेशनल पीस ऑफ वर्क. हमने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक डिलीवर करनी है, इसलिए हमने इसको इंफॉर्मेशनल पीस ऑफ वर्क कहा. द इंफॉर्मेशनल पीस ऑफ वर्क मेड विद स्पेसिफिक इंटेंशन. अब इसके पीछे हमारी कोई ना कोई इंटेंशन है. ठीक है, यानी हमारी इंटेंशन ये है कि हमारे पास जो इंसिडेंट है या हमारे पास कोई ऐसा इवेंट है जिसको हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो जो होगा हमारे उसके बिहाइंड कोई ना कोई इंटेंशन होगी. यानी हम कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक डिलीवर करना चाहें. द स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ रिलेइंग इंफॉर्मेशन और रिकाउंटिंग द इवेंट्स इन अ वाइडली प्रेजेंटेबल फॉर्म. हमने क्या करना है कि इसको हमने जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी या हमारा जो इवेंट होगा जिसको हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमने डिलीवर करना होता है. आ रिपोर्ट एम्स टू इंफॉर्म. इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है, हमारा जो एम है वो है हमने इस रिपोर्ट के ज़रिए इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है. आ रिपोर्ट एम्स टू इंफॉर्म एज क्लियरली एंड सक्सेसफुली एज पॉसिबल. हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिलीवर करनी है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन क्या होगी, क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड बी ईजी टू रीड. इतना क्लियर लिखा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, ईजिली उसको पढ़ सके. यानी उसको पढ़ने के लिए किसी दूसरे ट्रांसलेटर को ना बुलाना पड़े कि आए जनाब इसको पढ़ कर दें कि इसके अंदर लिखा क्या होगा. इट शुड बी ईजी टू रीड एंड प्रोफेशनल इन द प्रेजेंटेशन. वी आर राइटिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट. हमने जो रिपोर्ट है अपनी अथॉरिटीज़ को प्रेजेंट करनी है तो इसको हमने क्या करना है, एक प्रोफेशनल वे में लिख कर देना है. यानी इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक, एम्बिग्विटी, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे. रिटन रिपोर्ट्स आर द डॉक्यूमेंट्स. अब ये जो रिटन रिपोर्ट्स हैं हमने जो प्रेजेंट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हमने उनको प्रेजेंट करना होता है. विच प्रेजेंट फोकस्ड सेलियंट कंटेंट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस. हमारा जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, हमें पता है हमने जिस बंदे को लिखना है वो हमारा एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है. हमारे यहाँ जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है और जिस पॉइंट पे हमने उनको इंफॉर्मेशन देनी है वो पॉइंट पे हमारा क्या होगा, फोकस्ड पॉइंट है. यानी एक पॉइंट है या एक इंसिडेंट है जिसके ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को कन्वे करना चाह रहे होते हैं. रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. अच्छा, जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं कि
अक्सर होगा जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपेरिमेंट को या हमारा जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है हम उसके रिजल्ट को बताना चाह रहे होते हैं, या हमारे ऊपर फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी बैठी हुई है, हमने उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताना है। हमारी एक कंपनी है जो कि डील कर रही है एक्सपेरिमेंट के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस, मेरी कंपनी है जो कोरोना वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है या उसकी जो वैक्सीन है उसको बनाने की कोशिश कर रही है। अब मैं उसका बॉस हूँ और वो जो मेरी जो नीचे सब कमेटीज़ हैं या जो उसके ऊपर वर्क कर रही हैं वो क्या करेंगे कि होने वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं उनका रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। अब पुलिस है वो अगर कोई इंक्वायरी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई ऐसा इंसिडेंट है उसके ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब वो उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाएगी उसके ऊपर जो हमने जाकर कोर्ट में सबमिट करानी है, हम रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसेस के ज़रिए करेंगे। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने इंक्वायरी कंडक्ट करानी है, अब इंक्वायरी कंडक्ट कराएंगे तो वो जब इंक्वायरी कंडक्ट होगी तो वो जब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इंक्वायरी बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग होगी, ठीक है। द RTS मे बी पब्लिक और प्राइवेट, एन इंडिविजुअल और द पब्लिक इन अ जनरल। अब जो हमारी ऑडियंस होगी हमें पता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर रिपोर्ट राइटिंग, हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस है, हमें पता है जनाब। एंड वी आर मच अवेयर ऑफ द आवर ऑडियंस, हमें पता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कौन है। अगर हमारी ऑडियंस एक सिंगल पर्सन अथॉरिटी है या हमारी जो ऑडियंस है वो एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल है। यानी फॉर एन एग्जाम्पल अब आप देखें कि सानिया मॉडल टाउन की एक रिपोर्ट है, अब वो सानिया मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है कोर्ट के अंदर। अब वो जो कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है और कोर्ट उनकी अथॉरिटी है, अब जब गवर्नमेंट चाहे या कोर्ट चाहे तो उसको पब्लिक करना चाहे तो वो पब्लिक हो सकती है, यानी पाकिस्तानी आवाम की दस्तरस में नहीं। अब रिसेंटली एक रिपोर्ट कंडक्ट की गई है शॉर्टेज ऑफ शुगर के ऊपर। अब वो जो शॉर्टेज ऑफ शुगर के ऊपर रिपोर्ट कंडक्ट की गई है वो सबसे पहले पहले अथॉरिटी जो थी या उनको ऑर्डर करने वाला प्राइम मिनिस्टर साहब थे। जब वो रिपोर्ट सबमिट की गई है प्राइम मिनिस्टर को तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसको पब्लिक कर दे, यानी पाकिस्तानी आवाम भी इसको पढ़े, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे जो रिपोर्ट है वो उसके ऑडियंस कौन है, यानी वो ऑडियंस एक पब्लिक भी हो सकती है, वो एक ऑडियंस एक प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट रिपोर्ट राइटिंग भी हो सकती है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लिख सकता हूँ, या हमारी अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकती है। रिपोर्ट्स आर यूज इन गवर्नमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, साइंस एंड अदर फील्ड। रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम उसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। वो फील्ड चाहे गवर्नमेंट की फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, वट एवर द फील्ड इज द रिपोर्ट इज बीइंग टेकन प्लेस। रिपोर्ट्स यूज फीचर्स सच एज ग्राफिक्स, इमेजेस, वॉइस और स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी इन ऑर्डर टू पर्सुएड द स्पेसिफिक ऑडियंस टू अंडरटेक एन एक्शन। आप जनाब हमारे जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर हमने विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब हमारा जो रिपोर्ट है उसके अंदर आपको पता है कि उसके जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ शॉर्टेज ऑफ शुगर इंडस्ट्री जो थी, शॉर्टेज ऑफ शुगर थी वो ड्यू टू द इंडस्ट्रीज थी। अब इंडस्ट्रीज आर बीइंग करप्ट डे बाय डे, हमने लिखना है कि कौन सी इंडस्ट्री ने कितनी कितनी करप्शन की, हम उसको क्या करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ग्राफ उसके बना सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने 10 करोड़ तक करप्शन की, दूसरी है 15 करोड़ तक की, तीसरी है 30 करोड़ तक की, यानी ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऊपर जा रही है। अब हम उसके अंदर जो है ना इमेजेस को एज एन एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किए कर सकते हैं। यानी जो इंक्वायरी कमेटी थी अब वो गई होंगी शुगर मिल के अंदर, उन्होंने जहां जो एविडेंसेस देखे होंगे या जो उन्होंने उनका डेटा गैदर किया होगा एज एन एविडेंस इमेजेस के तौर पर भी उसको उसके अंदर कोट कर सकते हैं। वॉइस अगर फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस है, कोई मर्डर हुआ पड़ा है, या हमने फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी है क्रिमिनल फ़ोन रिकॉर्डिंग्स आती हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं, हम उसको रिपोर्ट के अंदर भी हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी क्या होती है भाई, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे इस तरीके से बात करता हूँ कि मेडिकल फील्ड की अपनी एक वोकैबुलरी है
और लॉ फील्ड की अपनी एक वोकैबुलरी है। हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हम एक लिख मेडिकल रिपोर्ट रहे हों उसके अंदर जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे वो लॉ फील्ड की हो, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हमारी जो रिपोर्ट है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो हम उसके अंदर जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करेंगे वो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही होगी। ओके, इन ऑर्डर टू परसुएड दैट द स्पेसिफिक ऑडियंस टू अंडरटेक एन एक्शन, ठीक है, हमने क्या करना है, जो ग्राफिक इमेजेस वॉइस स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी हमने यूज़ किया है उसका बेसिक पर्पज़ क्या था, इन ऑर्डर टू परसुएड दैट स्पेसिफिक ऑडियंस टू अंडरटेक एन एक्शन, यानी हमने उसको एज एन एविडेंस वहाँ पर इस्तेमाल किया या हम जो हमारी ऑडियंस थी वो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगी, यानी अंडरटेक एन एक्शन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स इज एमरेड, हमारे जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है उसको हम कहते हैं एमरेड, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। दिस स्ट्रक्चर इज स्टैंडर्ड फॉर द जॉनरा, अब ये जो लफ्ज है GENRE, ठीक है, इसको हम कहते हैं जॉनरा, इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है जॉनरा। दिस स्ट्रक्चर इज स्टैंडर्ड फॉर द जॉनरा बिकॉज इट मिरर्स द ट्रेडिशनल पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड समन्स द एथोस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट डिसिप्लिन। अब इसकी हम एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि अगर मेरा डिसिप्लिन है, अगर मैं BS इंग्लिश का टीचर हूँ या मैं फॉर्मर मैंने MA इंग्लिश किया होगा या MPhil इंग्लिश किया होगा, जो मेरा डिसिप्लिन होगा वो इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के बीच का है, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ और रिसर्च करता हूँ या एक रिपोर्ट लिखता हूँ कोरोना वायरस के ऊपर या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मेडिकल रिपोर्ट है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, चूँकि मेरा डिसिप्लिन ही नहीं है वो क्या करेगा कि मेरी क्रेडिबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन के ऊपर क्वेश्चन रेज कर देगा, ठीक है। या फॉर एन एग्जांपल एक इंजीनियर है वो आकर क्या करेगा, मेडिकल फील्ड पे अगर रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा या रिपोर्ट लिखोगे उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा, या उसकी जो साइंटिफिक रिसर्च होगी हम उसको मानेंगे ही नहीं क्योंकि वो उसकी डोमेन ही नहीं है। अगर यही रिसर्च एक मेडिकल पर्सन या एक डॉक्टर आकर करता है तो उसको हम वैलिड कहेंगे क्योंकि उसका डिसिप्लिन है, उसका डोमेन वही होगी। एडिशनल एलिमेंट्स ऑफन यूज टू परसुएड रीडर्स इंक्लूड हेडिंग्स टू इंक्लूड टॉपिक्स, अब जो इस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स हमारा मेन पॉइंट होते हैं, जब जो टॉपिक से रिलेटेड हमारे मेन हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं वो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग चार्ट्स टेबल्स फिगर्स पिक्चर्स टेबल्स ऑफ कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड नाउन समरीज अपेंडिसेस फुटनोट्स हाइपरलिंक्स एंड रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं जो हम एक रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल देयर वेरियस फॉर्म्स अलॉन्ग विद द यूजुअल एविडेंसेस, like in a crime scene people usually leave behind evidences, they fill a vast array of critical needs for many of the society's important organization. अब हम एग्जांपल लेते हैं इसके कि एक क्रिमिनल है जब वो क्राइम कर रहा होता है तो वो अपने पीछे बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस छोड़ जाता है जो कि बाद में हम उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिमिनल है जिसने कत्ल किया और उसके बाद उसने क्या किया कि वो चाकू वहाँ पर छोड़ गया, हम उसको एज एन एविडेंस यूज़ करेंगे, उसकी पिक्चर कैप्चर करके हम अपने एविडेंस के अंदर उसको एज एन एविडेंस यूज़ करेंगे, यानी अपनी रिपोर्ट के अंदर हम उसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमने बाद में जाकर कोर्ट के अंदर सबमिट कराना होता है। पुलिस रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, दे हेल्प टू प्रोसिक्यूट क्रिमिनल्स वाइल ऑल्सो हेल्पिंग द इनोसेंट बिकम फ्री, अब ये जो पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। अब फॉर एन एग्जांपल एक केस लेता हूँ मैं, उसके अंदर एक मर्डरर है, दूसरा विक्टिम है, तीसरा जो है सस्पेक्ट है जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये ही मर्डरर है। अब पुलिस ने उन एविडेंस की बेस पे जो रिपोर्ट बनाई थी, अब वो रिपोर्ट, अब पुलिस का काम ये है कि जो क्रिमिनल है असल क्रिमिनल है उसको उस रिपोर्ट की बुनियाद पर वो पकड़ेगी और जो
इनोसेंट पर्सन है उसको उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो एविडेंसेस ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन की है, उनका बेसिक पर्पस होगा कि इनोसेंट को फ्री कर दिया जाए और जो असल असल विक्टिम है उसको हम कसूरवार साबित करके अदालत के अंदर उसको सजा दिलवाएं। रिपोर्ट्स आर अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ रिपोर्ट कैन बी यूज टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अफेक्ट आवर लाइफ डेली। अब जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं वो जो उसके अंदर जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हम उसको ट्रैक करते रहते हैं। अब वो जो ट्रैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होगी अब वो क्या करेगी, हमारी लाइफ के अंदर हमें हेल्प आउट साबित होगी या वो हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। अब वो इम्पैक्ट किस तरीके से क्रिएट होगा या वो हेल्प आउट किस तरीके से करेगी, इसकी एग्जांपल आप ले लें कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च बनाई गई या एक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म साहब को प्रेजेंट की गई कि 20 मोस्ट अफेक्टेड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू द कोरोना वायरस। ठीक है, अब कोरोना वायरस से जो 20 बड़े बड़े शहर हैं जो उससे अफेक्ट हुए हैं ज़्यादा, अब इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इस इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट की गई उस पर फिर एक डिसीजन लिया गया टू सील दैट एरियाज कि अब हमने क्या करना है, इन एरियाज को हम सील कर देंगे। अब ये जो डिसीजन लिया गया अब ये डिसीजन क्या करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी लाइफ के ऊपर, यानी इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। व्हाट नीड टू बी डन इन आवर रिपोर्ट, हमने एक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैकेट द ऑब्जेक्टिव, हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है। ठीक है, हमने उसको क्या करना है, रैकेट करना है, यानी ये जो वर्ड है रिकॉर्ड नहीं है, ये है रैकेट, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रैकेट। रैकेट द ऑब्जेक्टिव, हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, हमारे उसके ऊपर कोई ना कोई इंटेंशन होगी, हमारा उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पर लिखना होता है। दूसरा पॉइंट है इसका रिकॉर्ड द डिज़ाइन ऑफ द सर्वे एंड हाउ इट वाज डिटरमिन्ड। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग जाएं एक रिपोर्ट बना के आएँ कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद देयर कैंपस अथॉरिटीज़। ठीक है, आपने एक रिपोर्ट कंडक्ट करनी है कि स्टूडेंट से आपने जाना है डिफरेंट कैंपस के स्टूडेंट से, या फॉर एग्जाम्पल एक कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक कैंपस है, आपने जाना है उसके अंदर स्टूडेंट से एक रिसर्च कंडक्ट करनी है कि वो आया कि वो अपने अथॉरिटीज़ के साथ कितना मुतमईन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अपना डिज़ाइन करेंगे सर्वे को, सर्वे आपका होगा उसके अंदर है क्वेश्चनेयर, यू आर गोइंग टू डिज़ाइन योर क्वेश्चनेयर एंड यू विल गो टू द स्टूडेंट्स एंड ask those question to them and then you will write the answer of those peoples। ठीक है, आप क्या करेंगे उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का जो वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप उनको नोट डाउन कर लेंगे और फिर जब आप अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको लिखेंगे कि दैट हाउ यू हैव डिज़ाइंड योर सर्वे एंड हाउ यू हैव डिटरमिन दोज आंसर्स। ठीक है, आपने किस तरीके से आपने रिसर्च की, किस तरीके से आपने क्वेश्चन ईयर बनाया और किस तरीके से आपने आंसर कंडक्ट किया, और उस आंसर के बाद जो उसका थर्ड पॉइंट जो है वो है रिकॉर्ड हाउ द सर्वे वाज कैरीड आउट। आपने बताना है कि आपने किस तरीके से अपनी सर्वे को किया, यानी आपने क्वेश्चन ईयर बनाया, आपने उन क्वेश्चन का आंसर नोट किया, जो उनमें से गलत जवाब थे आपने, यानी जो आपको लगता था वो इररेलीवेंट क्वेश्चन का आंसर किया गया आपने वो काट आउट किए, और जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे उनसे जो आपने आंसर कंडक्ट किया या आपने जो कंक्लूजन निकाला वो आपने फोर नंबर पर आके लिखना है। रैकेट द समरी ऑफ डेटा कलेक्टेड, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है आपने फिर क्या करना है कि उनकी उस डेटे की समरी बनाकर वहाँ पर लिखनी है या उसको प्रेजेंट करना है। एट द लास्ट पॉइंट आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आपने एनालाइज किया है डेटा, उस डेटे को आपने क्या किया कंक्लूड करके आपने वहाँ पर लिख लेना है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, आपने क्या करना है कि रिपोर्ट राइटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं आपने वो लिखना है। द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, आप जिस किस्म की लैंग्वेज को वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, इट मस्ट बी क्लियर एंड इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस, उसके अंदर किसी भी किस्म की एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर फॉर एन एग्जाम्पल वहाँ पर मिस्टेक्स होगी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी, वहाँ पर एम्बिगिटी होगी, रिजिडिटी होगी, क्लियर नहीं होगा, अनक्लियर होगा, आपके आइडियाज आप एक दूसरे के साथ क्लैशिंग होंगे, तो योर मेन पर्पज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग विल बी वैनिश्ड,
ठीक है, आपका जो मेन पर्पस होगा वो ज़ाया हो जाएगा। आपने क्या कहना है कि शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आपने शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। शॉर्ट सेंटेंसेस आर मोर क्लियर, ठीक है, और एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, अच्छे से वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं और वो एक शॉर्ट फॉर्म में होते हैं तो क्लियर भी होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग का, ये है कि आपने नो टेक्निकल टर्म्स और बिजनेस फ्रेजेस शुड बी यूज्ड विच आर नॉट लाइकली टू बी अंडरस्टैंड बाय द होम बाय द एस यानी सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू होम यू आर गोइंग टू राइट आर रिपोर्ट, ओके, फॉर होम द रिपोर्ट इज इंटेंडेड। यानी आपका जो मेन पर्पज़ होगा रिपोर्ट का वो ज़ाया हो जाएगा अगर आपने एक स्पेसिफिक टेक्निकल फॉर्म यूज़ की या टेक्निकल बिजनेस फ्रेजेस जो होती हैं आपने वो इस्तेमाल की जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड के साथ रिलेटेड होती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि केस में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि लॉ फील्ड के अंदर अगर मुकदमा नंबर 420 की बात करें या 422 420 की बात करें, अगर यही बात हम एक मेडिकल फील्ड के अंदर रिलेट करेंगे तो वो आपस में क्लैशिंग पॉइंट है, मेडिकल फील्ड वाले इस बात को नहीं समझेंगे और ये एक स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म है जो कि हम लॉ फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है रिपोर्ट रिटन बाय एन इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। अगर एक इंसिडेंट है जिसका आई विटनेस मैं हूँ या एक ऐसी रिपोर्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, अब जो मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ मैं क्या करूँगा, उस रिपोर्ट को जब उस रिपोर्ट को मैं डील कर रहा हूँगा, जब मैं उसको लिखूँगा तो मैं उसको क्या करूँगा भाई, उसको मैं लिखूँगा आई एम द विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंट या आई एम द विटनेस ऑफ द इंसिडेंट दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस दैट हैड टेकन प्लेस एट द पोल गार्ड डेरा गाजी खान द वन मर्डरर वाज देयर ही हैज़ केप्ट अ नाइफ इन हिज हैंड। ठीक है, अब मैं टोटली इंसिडेंट बताता जाऊँगा कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, फिर मैंने अगर मैंने कोई अगर इंसिडेंट देखा है तो उसको प्रेजेंट करूँगा विद फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, अगर कोई रिपोर्ट है जो मेरी कमेटी बनाएगी या कोई ऐसी है जो सब कमेटी बना रही होती है, बट द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय अ कमेटी और अ सब कमेटी मस्ट बी रिटन इन एन इम्पर्सनल मैनर। अब जो रिपोर्ट है कमेटी बना रही होती है या कोई सब कमेटी बना रही होती है, जैसे ऑफिशियल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई शॉर्टेज ऑफ शुगर की, अब वो जो शॉर्टेज ऑफ शुगर की है इंक्वायरी होगी वो अगर फॉर एग्जाम्पल एक कमेटी को दे गई या फिर एक कमेटी बनाई गई है वो इंक्वायरी करेगी, अब वो जब कमेटी या सब कमेटी उसको रिप्रेजेंट करेगी या उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, वो इम्पर्सनल मैनर में प्रेजेंट करेगी, यानी वो यूज़ करेंगी इन थर्ड पर्सन यूज़ करेगी। यानी हमने जब फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, अगर मैं वो रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो आई यूज़ किया था फर्स्ट पर्सन, अगर किसी और पर्सन के बारे में लिखी जा रही है या फॉर एन एग्जाम्पल वो सब के बेटी की जानब से लिखी जा रही है तो वहाँ पे हम थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं लिखूँगा कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अफगान शुगर मिल, आई डोंट नो कि अफगान शुगर मिल है भी सही कि नहीं है, अगर मैं उसके बारे में रिपोर्ट लिख रहा हूँ कि अफगान शुगर मिल कि जो अफगान शुगर मिल ने 10 खरब की करप्शन की और उनका जो सारा प्रोसेस है, जो उनका जो सारा चेनी का प्रोसेस है वो सारा इतना फूड अथॉरिटीज़ वाला वहाँ पर रेड नहीं कर रहे, वो क्या नाम है वो सारा क्या नाम है वो ख़राब है और जो है ना उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और बंदे बीमार भी हो सकते हैं, उनकी कंडीशन सारी सही नहीं थी और वहाँ का जो डेटा था वो मुझे प्रेजेंट किया गया वो डेटा भी वेल मैनर्ड नहीं था और जो वहाँ पर जितनी जो जो सारी सारी चीज़ें आएंगी वो रिपोर्ट के अंदर लिखूँगा तो मैं उनके बारे में बात करूँगा एंड दे ऑल विल बी इन पास्ट टेंस। द नंबर फोर्थ पॉइंट इज द रिपोर्ट शुड बी प्रेफरेबली बी रिटन इन द नैरेटिव फॉर्म। जो हमारी रिपोर्ट होगी वो नैरेटिव फॉर्म में होगी, यानी हम डिटेल फॉर्म में कोई इवेंट को जिस तरीके से हम नैरेट कर रहे होते हैं या कोई हम स्टोरी बयान कर रहे होते हैं इसी तरीके से हमारे रिपोर्ट भी इन द नैरेटिव फॉर्म होगी। सेटिंग आउट द फैक्ट्स, हमने क्या करना है कि जो फैक्चुअल बेस्ड डेटा होगा हमने वो फैक्ट को हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, फैक्ट एंड फाइंडिंग्स जो होंगी हमने सारे वो राइट डाउन करनी होती है और इन फैक्ट और फाइंडिंग्स की बेस पे जो हमारे जो फैक्चुअल बेस्ड डेटा होगा उसकी बेस पे अगर हम अपनी अथॉरिटीज़ को कोई रिकमेंडेशन देना चाहें कि आप इन पे एक्शन करें तो वो भी हम दे सकते हैं, यानी रिकमेंडेशन इन सच अ लॉजिकल वे दैट दे रिप्रेजेंट अ कोहेरेंट पिक्चर।
अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने एक रिपोर्ट अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई और वो रिपोर्ट थी चीनी के अबाउट, अब चीनी के अबाउट जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर फिर फर्दर उनसे कहा गया कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं, ये जो कंपनीज हैं या ये जो मिल्स हैं वो इसको जो क्या नाम है चीनी की जो है ना स्टोरेज के जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हो गई थी और आवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ा था। अब वो इन रिकमेंडेशन के बेस पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं। द नंबर फिफ्थ पॉइंट इज द डेटा प्रेजेंटेड इन सपोर्ट ऑफ द रिकमेंडेशन शुड बी एक्यूरेट। अब जो डेटा भी आप उनको प्रेजेंट करना जा रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी अकल को एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। अगर कल को कोई ऐसा पर्सन है जो जाकर आपकी जो जो आपने रिपोर्ट पेश की है वो जाकर कोर्ट में चैलेंज कर देता है, यानी ये सारा जो डेटा है वो गलत पेश किया गया है, हालांकि ये चीज़ें मेरी ऐसे नहीं थी, अगर कोई आपकी ये सारी चीज़ें जो है चैलेंज कर देते हैं तो आप उनको बता सकें, या आप कोर्ट में अपने जो वैलिड पॉइंट्स होंगे यानी आप उनको बता सकें कि जो सारा मेरा डेटा था वो एक्यूरेट था, रिलायबल था और कंप्लीट था, उसके ऊपर मैंने कुछ एविडेंस सेव कर रखे थे और ये एविडेंस ये रहे, यानी ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी एक्यूरेट, रिलायबल एंड कंप्लीट। द नंबर सिक्स पॉइंट इज द कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्चुअल डेटा। आपका जो कंक्लूजन है या आपकी जो रिकमेंडेशन है वो फैक्चुअल डेटा के बेस पर होने चाहिए, यानी आपने वहाँ पर बायस नहीं होना जाना एंड अनबायस्ड, आपने अनबायस्ड रहना है सो दैट दे कैन बी डिपेंडेड अपॉन बाय द रेसिपिएंट फॉर डिसाइडिंग ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन। आपने क्या करना है कि अगर आपका जो है ना आपके कोई जानने वाले हैं जिनके खिलाफ आपने जाने के इंक्वायरी कर रहे हो या आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बना रहे हो, आपने क्या करना है अगर आप वो आपके जानने वाले भी हो जाएं तो आपने क्या करना है, आपने फैक्चुअल बेस्ड डेटा रखना है, आपने अनबायस रहना है, आपने अपनी पर्सनल लाइकनेस, पर्सनल डिसलाइकनेस, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को साइड पर रखकर आपने अपना टोटल फैक्चुअल डेटे को प्रेजेंट करना होता है। नंबर सेवन पॉइंट इज द रिपोर्ट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल इन कीपिंग विद द पर्पस फॉर विच इट इज नीडेड। आपने क्या करना है, जो आपकी रिपोर्ट होगी वो ब्रीफ होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी ब्रीफ एज पॉसिबल इन कीपिंग विद द पर्पस फॉर विच इट इज नीडेड, यानी आपने क्या करना है अगर आपकी जो है रिपोर्ट है उसको अगर उसकी ज़रूरत सिर्फ एक पेज की है, यानी अगर वो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक पेज पर लिखनी है, आपने क्या करना है उसको लंबा नहीं कर देना, या फॉर एन एग्जाम्पल आपकी जो रिपोर्ट है वो 1-3 पेजेस तक लिख नहीं, आपकी जो रिपोर्ट है वो 3 पेजेस तक लिखनी है आपने, तो 3 पेजेस तक जो आप रिपोर्ट लिखेंगे आपने उसको कंसाइज कर करके एक पेज तक नहीं रखना, यानी आप जो क्लियरनेस होगी शुड नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ कंसाइसनेस, ठीक है, द रिपोर्ट शुड बी टू द पॉइंट, आपकी जो रिपोर्ट हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी आपने वहाँ पर गप शप करने नहीं लगा देनी, यानी आप जो रिपोर्ट होगी वो फॉर्मल रिपोर्ट है, आप अपनी अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने टू द पॉइंट रहना होता है, आपने वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई वहाँ पर गप शप या स्टोरी बयान करना स्टार्ट नहीं कर देनी, आपने टू द पॉइंट रहना है। Using the minimum number of words and avoiding the repetition and exaggeration. आपने क्या करना है, आप जितना भी आप अपनी कम से कम अल्फाज कहकर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, यानी आपने अल्फाज कम इस्तेमाल करके ज़्यादा बात को कन्वे करना है, फिर आपने अपनी जो है ना एक ही बात को रिपीट नहीं करना, अवॉइड रिपीटेशंस, रिपीट कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी, यानी सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, अपने सेम वर्ड्स को रिपीट करना, फिर आपने क्या करना है अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सिंपल मैनर में आपने बात करनी है, यानी एक इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ है जो कि छोटा सा इंसिडेंट है, आपने उसको एग्जैजरेट करके इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट कर देना, यानी आपने उसको एग्जैजरेशन नहीं कर देना। आपका जो रिपोर्ट है उसके अंदर चार चीज़ें हैं, ठीक है, आप वो चार चीज़ें क्या है, आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो तो वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, किसी इशू से रिलेटेड होती है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपने अपनी सारी चीज़ें बयान करनी होती है, और जो आपकी रिपोर्ट है वो एक स्पेसिफिक इशू पे है और उस स्पेसिफिक इशू के ऊपर जिस किस्म की भी आपको डेटा प्रोवाइड करने हैं, जिस किस्म का भी आपने सर्वे करना है या जिस किस्म के भी आपने एविडेंस क्रिएट करनी है, दे मस्ट बी इन आर डिटेल फॉर्म,
यानी आपने डिटेल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर क्रिएट करनी है या उसको जो है ना डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। आपने क्या करना है, यानी आपने कॉन्साइसनेस के चक्कर में पढ़कर छोटी कॉन्साइसनेस के चक्कर में पढ़कर अपने पर्पस को नहीं भुला देना। आपका पर्पस क्या है, जो आपने रिपोर्ट देनी है, आपने क्लियर जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपने डिलीवर करनी होती है या वो आपने डिलीवर करनी होती है। एंड दो ऑल द डेटा मस्ट बी इन अ क्लियर फॉर्मेट, वो क्लियर होनी चाहिए, यानी उसको आपने प्रोफेशनल प्रेजेंटेबल फॉर्म में डिलीवर करना होता है। उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक, ना सिंटैक्टिकल मिस्टेक, ना प्रैग्मेटिकली कोई मिस्टेक हो, ना सिंटैक्टिकली हो। ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, नॉट इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस, ठीक है। वहाँ पे किसी किस्म की ना प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कन्फ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये हमारा रिपोर्ट क्लियर रहे। अच्छा, इसकी फिर ये जो स्टैंडर्ड हैं, दिस ऑल द स्टैंडर्ड यू हैव टू मेंटेन इन योर रिपोर्ट। अ रिपोर्ट डिस्कसेस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल। अब एक रिपोर्ट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर हम कोई एड्रेस कर रहे होते हैं या उस प्रॉब्लम को हम बता रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करनी होती है इन अ डिटेल फॉर्म। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। जो आपकी रिपोर्ट होगी वो अब टोटली बेस करेगी आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर या आपके एनालिसिस के ऊपर। अब जो आपने फॉर एन एग्जाम्पल आपने रिपोर्ट लिखी या आपने इंसिडेंट है उसके ऊपर जिस किस्म का भी आपने ऑब्जर्वेशन की या आपने उस इंसिडेंट को देखा, जो आपने उस इंसिडेंट से एनालाइज किया या आपने जो रिसर्च रिपोर्ट की या आपने कुछ भी किया, वो आपने क्लियर फॉर्मेट में वहाँ पर लिख देना होता है। मोस्ट ऑफिशियल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और वर्क आर कंप्लीटेड वाया रिपोर्ट। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशनल बेस्ड वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं। आप गवर्नमेंट लेवल पर या इंस्टीट्यूशन लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जिस किस्म के भी इंफॉर्मेशनल वर्क होते हैं वो सारे हम क्या कर रहे होते हैं, वो वाया रिपोर्ट कंप्लीट हो रहे होते हैं। अ गुड रिपोर्ट इज़ ऑलवेज अ फैक्ट फाइंडिंग। अब जो हमारी रिपोर्ट होती है, एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा क्या करती है, वो हकीकत की तलाश में होती है, फैक्चुअल बेस्ड डेटा कलेक्ट करने की बेस पे होती है, ना कि वो फॉल्ट फाइंडिंग होती है, यानी वो फॉल्ट की तलाश में नहीं होती, वो फैक्ट्स की तलाश में होती है। इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एन इम्पार्शियल मैनर। द राइटर्स ऑफ द रिपोर्ट शुड बी इम्पार्शियल इन देयर आउटलुक, मेंटेलिटी एंड अप्रोच। राइटर्स को क्या होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, दो किस्म की टाइप्स हैं यहाँ पर बताई गई हैं, एक फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्या है, और फॉर्मल रिपोर्ट इज़ वन विच इज़ रिटन इन अ प्रिस्क्राइब्ड, यानी ऑफिशियल फॉर्म में, एंड इज़ प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। आप जो कुछ भी एक फॉर्मल रिपोर्ट में लिखने जा रहे हैं वो ऑफिशियल फॉर्मेट में लिखेंगे, एक ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ही लिखेंगे, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो मुझे एक वीसी साहब ने कहा है कि आपने जाना है डिफरेंट कैंपसेस के अंदर, जो चीज़ें उनको ज़रूरत हैं या जो चीज़ें उनको वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है या डैमेज है, हम उनको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहें डिफरेंट कैंपसेस के अंदर और वहाँ पर रिसर्च करें और वो मुझे बताएं, उसको वो रिपोर्ट बनाकर मुझे बताएं। अब मैं जब जाऊँगा रिसर्च करूँगा तो मैं अपने, मुझे पता है कि मेरा अथॉरिटी वीसी है जिसको लिखने जा रहा हूँ, जो कि लिमिटेड ऑडियंस है। मैं वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखूँगा वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फॉर्म में फॉर्मल रिपोर्ट होगी और एक फॉर्मल फॉर्मेट में लिखूंगा और एक मेरी जो अथॉरिटी होगी उसको मैं लिख रहा होगा। अच्छा, ये फिर इसको कैटेगराइज किया गया है थ्री फॉर्मेट में, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स एंड द रिकमेंडेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो होती है, अब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जो होती है, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज दैट रिपोर्ट विच टेल्स अस फैक्ट्स अबाउट समथिंग। It would be based on the factual information. For an example, reason behind the failure of the students at university level. ठीक है, informational reports presents results so readers can understand a particular problem or situation. ठीक है, हमने क्या करना है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली फेलियर की तरफ जा रहे हैं, यानी वो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट सही नहीं आ रहा। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब ये सिचुएशन भी है, हमने इसके ऊपर एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। अब जो रिपोर्ट होगी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फैक्ट्स होंगे, फैक्ट अबाउट समथिंग हमने वो प्रेजेंट करने हैं, ये हम इंफॉर्मेशनल वे में प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स माइट
प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द करेंट रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमने क्या करना है कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशनल बेस्ड डेटा प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल, ये हम मैं रिसर्च कर रहा हूँ, यानी कि करंट सिचुएशन है जिस पर मैं रिसर्च करूँगा, इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं सारी अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करूँगा। दूसरा पॉइंट है, प्रेजेंट्स एन अपडेट ऑफ द ऑपरेशन इन योर डिवीजन। अब मेरा डिवीजन है, मैंने उसके अंदर क्या करना है कि एक उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पेंडेमिक यानी इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनके रोज़गार बंद हो गए और वो जो है ना बिजली का बिल पे नहीं कर सकते। अब वो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते, मैं क्या करूँगा, अपने पूरे डिवीज़न के अंदर रिपोर्ट कंडक्ट करूँगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो बिजली का बिल पे कर रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं कर रहे। अब मैं उस डिवीज़न के अंदर जो भी अपडेट होगी वो मैं सारे अपडेट अपनी इस रिपोर्ट के अंदर लिखता रहूँगा। द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सप्लेन हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन और डिवीज़न डज समथिंग। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट जो है ना उनकी जो डे बाय डे वर्क होगा, यानी उसके अंदर वीकली जो रिपोर्ट्स होगी, मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी हम इसके अंदर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स काउंट्स करते हैं और इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स के अंदर लिखा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जो है ना एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास है नाइन्थ क्लास, अब नाइन्थ क्लास की रिपोर्ट बनाकर मैंने प्रिंसिपल साहब को प्रेजेंट करनी है, यानी उसका रिपोर्ट पिछले मंथ का जो रिपोर्ट था उसके उससे किस तरीके से डिफरेंट है, आया कि उसके अंदर कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई, ये सारी रिपोर्ट्स हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट्स होती हैं। The second type of report is analytical report. Analytical report is that report which talks about the reason, problem, then their interpretation. This type goes a step beyond the presenting results. After the interpretation, there will be a recommendation for future. ठीक है, अगर हमने कोई रिसर्च रिपोर्ट कंडक्ट की है उसके ऊपर हमने जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती उस प्रॉब्लम की जो रीज़न थी हमने वो डिस्कस की, उन प्रॉब्लम की रीज़न लिखने के बाद हमने फिर इंटरप्रेट किया कि उसकी जो रीज़न थी उससे हमारे ऊपर कौन कौन से अफेक्ट्स आए। यानी एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट्स रिजल्ट्स, एनालाइज दोज रिजल्ट्स, जो हमारे जो प्रॉब्लम थे हमने उनके ऊपर जो रिजल्ट पेश किया, फिर हमने उसको एनालाइज भी किया एंड ड्रॉ द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट। फिर हमने उस प्रॉब्लम का जो हमने डिस्कस किए थे उसको एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट निकला हमने उसको कंक्लूड करने के बाद फाइनल फॉर्म में रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी होती है। दीज रिपोर्ट्स अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब व्हाई और हाउ समथिंग हैपेंड एंड देन टू एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं कि हाउ समथिंग हैड हैपेंड, कि कैसे कोई चीज़ हुई और क्यों हुई, फिर उसके ऊपर हमने रिजल्ट बनाकर यानी उसको एक्सप्लेन करने के बाद, हमने उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करने के बाद हमने लास्ट में उसके ऊपर रिकमेंडेशन देने होते हैं, अगर कोई हमने रिकमेंडेशन देनी होती है तो। एनालिटिकल रिपोर्ट माइट एक्सप्लेन व्हाट कॉज अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। एनालिटिकल के अंदर हम प्रॉब्लम और सिचुएशन के अबाउट बात कर रहे होते हैं, यानी कौन सी सिचुएशन है वो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई, अब जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन हमारी पेंडेमिक सिचुएशन है और उस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि हम बिजली का बिल पे नहीं कर सकते या हमारे पास खाने पीने की चीज़ें सही फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमारे पास रोज़गार ही नहीं बचा। द सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्लेन द पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने क्या करना है, एक्सप्लेन द पोटेंशियल रिजल्ट, हमने जो हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद जो रिजल्ट आया हमने उसको भी एक्सप्लेन करना होता है, या जो हमने एक्शन वहाँ पर लिया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, हमने उसको भी एक्सप्लेन करना होता है। द थर्ड एंड द थ्री पॉइंट इज सजेस्ट विच ऑप्शन एक्शन और प्रोसीजर इज बेस्ट। फिर आपने जो रिकमेंडेशन देनी होती है उन रिकमेंडेशन के अंदर आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा एक्शन और कौन सा तरीकाकार प्रोसीजर हमारे लिए बेस्ट है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। द थर्ड इज रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट। दिस टाइप एडवोकेट अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। दिस यूजली प्रेजेंट द रिजल्ट एंड कंक्लूजन दैट सपोर्ट द रिकमेंडेशन।
दिस टाइप इज आइडेंटिकल टू एनालिटिकल रिपोर्ट। अब ये एनालिटिकल रिपोर्ट से आइडेंटिकल है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कंक्लूजन है, ठीक है, हमने क्या करना है, यूजली इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं, कंक्लूजन के बाद जो हमारे रिकमेंडेशन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आप जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट होती हैं वो क्या करती हैं, व्हाट शुड वी डू आ प्रॉब्लम, ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसके साथ हमने क्या करना है, ठीक है। शुड वी और कैन वी डू समथिंग, यानी हम उन प्रॉब्लम की बेस पे जो हमने अब रिकमेंडेशन दी उसके ऊपर उन रिकमेंडेशन की बुनियाद पे आया कि हम उन रिकमेंडेशन को नाफिज कर सकते थे, यानी अब जो सिचुएशन है इस कोरोना वायरस की, हम उसको उसके ऊपर जो हमारे हमने रिकमेंडेशन दी कि आप जो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते उसके उनको हमने क्या करना है, उसके अब हम रिकमेंडेशन देंगे कि गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन कर दे, अब गवर्नमेंट लॉकडाउन उठा दे ताकि लोग कारोबार करें और अपना बिजली का बिल खुद पे कर सकें। ये हमने उनको रिकमेंडेशन तो दी आया कि शुड वी और कैन वी डू समथिंग, इसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमने बताना है। शुड वी चेंज द मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूज टू डू समथिंग, हम कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं इसके अंदर नहीं, उन रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर हमने ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर बताना होता है। द प्लान फॉर प्रिपेयरिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट, हमने फॉर्मल रिपोर्ट को किस तरीके से बनाना होता है, इसके अंदर क्या होगा, एक फॉर्मल रिपोर्ट है उसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या होता है, आइडेंटिफाई द रीडर, सबसे पहले हमने अपने रीडर को देखना होता है कि हमारा जो रीडर होगा या हमारे जो ऑडियंस है वो कौन है, ठीक है। फिर हमने करना है डिटरमाइन योर पर्पस, फिर हमने अपना मकसद देखना है कि हमारा रीडर फॉर एग्जांपल एक अथॉरिटी है, हमारा प्रिंसिपल है या हमारा वीसी है, हमें पता चल गया भाई हमारा रीडर वीसी है, फिर हम देखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, हम उस रिपोर्ट राइटिंग के अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे, फिर हम अपने उस पर्पस के ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मुलेट स्पेसिफिक क्वेश्चन, अब उसको क्वेश्चन को देखना है कि अगर हमारी वो रिसर्च रिपोर्ट है उसके ऊपर हमने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है तो हमने कोई ना कोई क्वेश्चन, हमें कोई ना कोई क्वेश्चनियर चाहिए और उन क्वेश्चनियर को जस्टिफाई करेंगे। कंडक्ट रिसर्च टू आंसर द क्वेश्चन, अब हमने जो क्वेश्चनियर बना लिया, जो क्वेश्चन देख लिया, फिर हमने कंडक्ट करनी है वो क्वेश्चन, यानी कंडक्ट रिसर्च टू आंसर द क्वेश्चन, फिर हमने उन क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हमने रिसर्च करना है, हम डिफरेंट स्टूडेंट के पास जाएंगे या हमने डिफरेंट जिन बच्चों जिन हम जो हमारा पर्पस होगा हम उसकी बेस पर देखेंगे, या हमारा जो हमें पता होगा कि हमने जो रिसर्च कंडक्ट करनी है या जो हमारा क्वेश्चन एयर है उसको सही आंसर कौन कर सकता है, फिर हम उनके पास जाकर उन क्वेश्चन का आंसर लेंगे, फिर हम उस आंसर की बेस पर अब जो कंक्लूजन ड्रा करेंगे, हमने वो जो कंक्लूजन ड्रा करना है वो वैलिड कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है डिसाइड द रिकमेंडेशन, फिर हमने क्या करना है कि हमने उस रिकमेंडेशन को डिसाइड करना है, यानी इसके ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती है, फिर हमने जाकर उसको राइट द रिपोर्ट, फिर लास्ट पॉइंट पे आकर हमने ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफॉर्मल रिपोर्ट, एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, अब ये इनफॉर्मल रिपोर्ट है वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होती है। इट मे रेंज फ्राम आ शॉर्ट ऑलमोस्ट फ्रेगमेंट्री स्टेटमेंट और फैक्ट ऑन अ सिंगल पेज टू अ मोर डिवेलप प्रेजेंटेशन टेकिंग सेवरल पेजेस, यानी एक रिपोर्ट है इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, एक पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रही होगी और वो एक शॉर्ट रिपोर्ट के तौर पर यानी एक पेज के अंदर भी हम उसको लिख रहे होते हैं। अभी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, यानी देयर आर मैनी एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, अब इसको क्या है इनफॉर्मल रिपोर्ट को हमने क्या किया डिवाइड किया हुआ है, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, ठीक है, पहले इसमें बात की कि इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, दूसरी प्रोग्रेस एंड स्टेटस रिपोर्ट, तीसरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, चौथी पीरियडिक रिपोर्ट्स, पाँचवीं ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट इज द टाइप ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट that you have to write to explain how much progress is being made on something you have previously planned. अब अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है या ऐसी कोई रिसर्च है जो आप पहले कर चुके, ठीक है, या अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा डेटा है जो आपने पहले गैदर किया हुआ है, आप वेट कर रहे हो कि आप कोई ऐसा दूसरा इवेंट आए तो हम उन दोनों इवेंट का डेटा को मिलाकर
उसको अपडेट कर दे, ठीक है। या जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, एक नाइन्थ क्लास की है, उसको उसके पिछले महीने का रिजल्ट क्या था, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट बनाई और उसको आपने उस उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी या जो हम उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो वालदैन को भिजवाएंगे, यानी लास्ट ईयर इनका क्या रिजल्ट था और अब इनका क्या रिजल्ट है, जिसको आप रिजल्ट कार्ड भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अब यानी अगर फॉर एन एग्जांपल नाइन्थ क्लास की जैसे मैंने बात की, अब नाइन्थ क्लास के पिछले महीने का क्या क्या रिजल्ट थी, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, नेक्स्ट की क्या होगी, तीसरे की क्या होगी, चौथे महीने की क्या होगी, इस तरीके से आपने रिपोर्ट बनानी होती है और ये जो है ना आपका आउट गोइंग प्रोजेक्ट होता है। इट इनेबल्स यू टू चेक ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कैन बेटर एस्टिमेट व्हाट रिमेन्स टू बी डन एंड व्हाट रिसोर्सेज स्पेशली टाइम यू हैव टू डू इट। अब हमने जैसे पहले इसको कहा कि ये पर्सन टू पर्सन रिपोर्ट है, यानी जो आपका रिपोर्ट बनाई जा रही होती है या वो रिजल्ट कार्ड जो होता है वो आपको दिया जाता है, यानी अब ये जो आपकी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये आप खुद चेक कर सकते हो और इसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, या जो रिपोर्ट आपके वालदैन को दी जाएगी वो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद देखेंगे कि मेरा स्टूडेंट या मेरा जो बच्चा है वो इसके कहाँ कहाँ या किस किस पॉइंट पर वीक है, या कौन से महीने के अंदर इसने काम करना बंद कर दिया था, या उसके ऊपर कौन, या फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा अगर बीमार था तो उसके उसका कोई ना कोई रीज़न थी। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट वो आप भी पढ़ सकते हो और आपके पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं। दूसरी है स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस इट डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ बीइंग अकॉम्प्लिश्ड इन द प्रेजेंट एंड विद द एक्जिस्टिंग कंडीशन इन जनरल। इट इज़ जस्ट एन अदर टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। इट लेज इम्फेसिस ऑन द एक्जिस्टिंग कंडीशन। अब ये क्या कर रही है, इट इज़ जस्ट एन अदर टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की सेम एज इट इज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये क्या कह रही होती है कि जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसको और एग्जिस्टिंग कंडीशन जो होती है उनको एकम्प्लीफाई कर रही होती है, अकम्प्लिश कर रही होती है, और इसका जो मेन पर्पज़ होता है इट लेज एम्फेसिस ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी मौजूदा कंडीशन जो कि उसके ऊपर डील कर रही होती है, यानी अब उसका जो मेन पर्पज़ होगा वो इसी महीने के रिजल्ट के ऊपर होगा ना कि लास्ट के ऊपर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी। दिस रिपोर्ट डिटेल्स वेदर और नॉट अ प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन एंड द रीज़न फॉर दैट डिसीजन। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको मिलने जा रहा है, अब आपने क्या करना, यानी आपकी एक कंपनी है या आपकी एक कमेटी है, आपको एक इंक्वायरी बेस्ड रिपोर्ट बनाने का कहा जा रहा है और वो आपको पे करेंगे। फिर आपका एक पर्सन है जो जानता है कि हमारे पास इस डेटा को गैदर करने के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या रेलिवेंट टूल्स नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अपनी जो है ना अपना जो अथॉरिटी होगी उसको लिखेंगे कि हमारे पास इसकी हमारे पास एक रिपोर्ट उसको लिखेंगे, बनाकर देंगे कि उस प्रोजेक्ट को हम नहीं ले सकते, यानी वेदर और नॉट अ प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। और फिर आपने क्या कहना है, एंड द रीज़न फॉर दैट डिसीजन, और इस डिसीजन के लिए आपने उनको रीज़न भी प्रोवाइड करनी होती है। A feasibility study is an analysis of the viability of an idea through a disciplined and documented process of thinking through the idea from its logical beginning to its logical end. यानी आपने क्या करना है, logical beginning से लेकर logical end तक इसकी जो जो reasons होगी आपने वो logically way में वहाँ पर बयान करनी है, आपने वहाँ पर logic देनी है कि for an example आपके पास आपने एक research conduct करनी है कि पाकिस्तान के अंदर कितने वेंटिलेटर्स हैं जो इस वक्त एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सही और सालिम चल रहे हैं। फिर आपका जो मेंबर होगा वो लिखेगा, भाई हमें तो इसके अबाउट पता नहीं है, मेडिकल फील्ड का पता नहीं है, हमें क्या पता अगर कोई एक वेंटिलेटर रखा हुआ है आया कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा, या फॉर एग्जाम्पल वो सही चल रहा है या करेक्ट वो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा, हमारा जो पेशेंट होगी उनके लिए वो सही तौर पर साबित होगा कि नहीं। आपने क्या करना है, बिकनिक से लेकर एंड तक वो तमाम तर लॉजिकल मैनर में आपने उसको रीज़न प्रोवाइड करनी होती है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स। These reports allows management to keep track of ongoing operation on a periodic or a regular basis. अब अगर एक मैनेजमेंट है उसने क्या करना है, ongoing events के ऊपर या ongoing operation के ऊपर उन्होंने क्या करना है, regular basis के अंदर data provide करना है। एक hospital है जिसके अंदर एक दिन के अंदर 1000 मरीज आते हैं, अब वो क्या करते हैं, सारे उनके नेम लिखते जाते हैं, उनके उसके पास एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो नेम और सारी चीज़ें उनके अंदर रेलिवेंट चीज़ें ऐड करते जाते हैं।
अब उन्होंने क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें ऐड करते जाते हैं उन्होंने, डेली वीकली मंथली और क्वार्टरली या ईयरली वो सारी रिपोर्ट क्या करनी होती है, अपनी अथॉरिटीज़ को प्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। दे कैन बी फील डेली वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली, वो क्या करते हैं फिर हम इनको सबमिट करा देते होते हैं। दे मे इवन टेक द फॉर्म ऑफ एन एलैबोरेट एंड ऑफन कॉस्टली फॉर्मल रिपोर्ट। अब ये मोस्टली क्या होती है, कॉस्टली रिपोर्ट होती है, और हम इसको डेली करना चाहें तो डेली कर सकते हैं, अगर वीकली करना चाहें वीकली, मंथली, रियली इट्स अप टू अस, यानी इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट। ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट्स, ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट्स क्या है, दीज फॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूज बाय टेक्नीशियंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनालिसिस एंड द करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये क्या करती हैं, यूज बाय टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके जरिए इस्तेमाल होती हैं टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। बेसिक पर्पस क्या है, हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करना है रिगार्डिंग द एनालिसिस एंड द करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम फाउंड इन एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यानी अगर आपके कोई इंडस्ट्रीज है, आपके कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, फिर आपको अथॉरिटीज़ ने एक अथॉरिटीज ने उनको रिजॉल्व करा दिया, फिर आपने क्या करना है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर देनी है कि उन वो जो करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम थे उसके ऊपर आपने रिपोर्ट बनाकर देनी है कि क्या आया कि वो सही हो गए या नहीं हो गए। फिर आपने अगर वो कोई प्रॉब्लम होगा तो अगेन उसके ऊपर आपने वो मेंशन कर देने होते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने लिखना है, अगर वो सही हो गया तो आपने वो लिखना है, या अगर कोई सही कराना है तो आपने वो मेंशन करना होता है। द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम सिम्पटम्स, टू लोकेट द डिफेक्ट and to correct the defect, ठीक है। अब यही हमारा प्रॉब्लम, यही हमारा पर्पस है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स की सिम्टम्स होगी हमने वो लिखनी है, या हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है टू लोकेट द डिफेक्ट, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो हमने वो बताना है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर हमने उसको सही कराना है हमने लिखना है कि कौन सी प्रॉब्लम आपने सही करनी है, अगर कोई सही हो चुकी है हमने उसका बताना है टू करेक्ट द डिफेक्ट, ताकि वो जो डिफेक्ट पेश आ रहा है उसको वो सही तरीके से करेक्ट कर सके। अब हमारे पास है सैंपल रिपोर्ट, हमने एक रिपोर्ट बना के दी है आपको सैंपल, यानी हम जो भी रिपोर्ट लिखेंगे उसको हमने एक सैंपल के तौर पर यहाँ पे लिख के दे दिया है। हम उसके अंदर क्या है, ऊपर ऊपर है कि टारगेट ऑडियंस, आपको पता होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, आपने अपने टारगेट ऑडियंस का नाम लिखा होगा, लिखना होगा, यानी अगर आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और उनकी पोजीशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं एक लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ, पहला पहला लिखता हूँ नेम, अब उसका नेम क्या होगा, मोहम्मद फरहान, इंस्टीट्यूशन क्या है, इंस्टीट्यूशन हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, उनका एड्रेस क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एड्रेस क्या होगा, लाहौर कैंपस है, जेजी खान कैंपस है, साहिवाल कैंपस है, कौन सा कैंपस है जिसको आप लिख रहे हो, उनका एड्रेस भी आप लिखेंगे। फिर आपने उसका पोजीशन भी लिख देनी है कि आप HOD को लिख रहे हो, आप VC को लिख रहे हो, या आपने प्रिंसिपल को लिखी है। ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू क्लियरली मैंशन योर टारगेट ऑडियंस। फिर आपने डेट एंड टाइम लिखना होता है, डेट एंड टाइम एंड द लोकेशन, ठीक है। आपने डेट लिखनी है, डेट क्या है, टाइम कौन सा है, फिर आपने लोकेशन भी लिखनी है कि आप उस जो रिपोर्ट लिख रहे हो वो आप कहाँ से बैठ के लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपने लाहौर वाले को, VC हमारा लाहौर में है, हमने उनको रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन लिखने वाला डीजी खान में है, तो हमने उस लोकेशन को भी मैंशन कर देना है। फिर आपने उनका पर्पस बताना है, आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो उस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने वहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्लियर तौर पर मेंशन कर देना है, लेकिन आपने जो लिखना है वो आपने ब्रीफ फॉर्म में लिखना है। जो भी आपने इशू आप एड्रेस कर रहे हो अपने रिपोर्ट के अंदर, आपने अपने हेडिंग और जो सब हेडिंग्स होंगे उनको बुलेट फॉर्म में लिखना है, और अपना सब्जेक्ट या पर्पस जो होगा आपने ब्रीफ फॉर्म में डिस्कस कर देना है, उसको ब्रीफ फॉर्म में लिखना है। अच्छा, फिर आप आ जाएंगे थर्ड नंबर पर, वो है करंट सिचुएशन, यानी आपने जिस इशू के अबाउट बताया है, ठीक है, जो आप इशू का डील कर रहे हो उसके अंदर आप उसकी करंट सिचुएशन बताएंगे कि उसके अंदर आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरा एक कैंपस है उसके अंदर हमने पानी की कमी है, अब पानी की कमी है उसके अंदर मैं करंट सिचुएशन बताऊँगा कि उसको पॉइंट्स फॉर्म में बताऊँगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इस तरीके से पॉइंट्स में उसको बताऊँगा कि कौन कौन सी वहाँ पर कमी है, या हमने कौन कौन सी वहाँ पर डैमेजेस हो चुके हैं, हम उनको सही कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हमने वहाँ बता दिया कि पॉइंट्स में हमने बता दिया कि ये कमी है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने
ज़्यादा इश्यूज़ की बात करनी है। हमारा कैंपस है उसके अंदर फ़ौरन हमें पानी की कमी है, वहाँ पर बिजली नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास फर्नीचर की भी कमी है। हमने वो सारे पॉइंट्स में लिख देना है हमें कौन कौन सी चीज़ें। फिर हमने लिखना है इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, इशू नंबर 4, यानी जो जो इश्यूज़ हैं। यानी हमने फ़ौरन पहले पहले बात की पानी की, पानी का आपको क्या इशू है। फिर हमने फर्नीचर की बात की, उस फर्नीचर पे आपको क्या इशू है, आपके बिल्डिंग का इशू है। हमने सारे इशू को डिटेल फॉर्म में वहाँ पर लिखना होता है। फिर आप उसको बताएंगे कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि इसको क्या किया जाए। फ्यूचर गोल ये है कि हमें भाई पानी प्रोवाइड किया जाए, हमारी बिल्डिंग क्रैक हुई पड़ी है, हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती, हमारे पास लिमिटेड क्लासेस हैं, इसको हमें एक नई बिल्डिंग के तौर पर दी जाए। यानी हम आपने ईच एंड एवरी थिंग क्लियरली वहाँ पर डिस्कस करनी है। शॉर्ट टर्म प्लान एंड सॉल्यूशन, जो आप वहाँ पर आपने इश्यूज डिस्कस किए, आप वहाँ पर उनको शॉर्ट टर्म प्लान, यानी आपने अगर वो जल्दी से अगर वो उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता उन इश्यूज़ को, आप उनको शॉर्ट टर्म प्लान्स दें और उनका सल्यूशन भी आप उन सैंपल रिपोर्ट के अंदर बता सकते हैं। फिर आपने रेकमेंडेशन देनी है उनको कि आप रेकमेंडेशन अगर आप कोई देना चाहें तो वो दें, ठीक है। आपने जो रेकमेंडेशन देनी है वो इंतहाई रिस्पेक्टफुली मैनर में देनी है, ठीक है। फिर आपने लास्ट पर आकर अपना फुल नेम लिख देना है, जो अपना लिखना है, यानी जो भी उस रिपोर्ट का ऑथर होगा, लिखने वाला होगा, वो अपना रिपोर्ट में लास्ट पर आकर अपना नेम फुल नेम वहाँ पर मेंशन कर देगा, ताकि उनको पता चल सके कि रिपोर्ट किसने लिखी है। अब एक फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो लॉन्गर होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो 1-3 पेजेस तक। फॉर्मल रिपोर्ट रिसर्च होती है, इनफॉर्मल रिपोर्ट में रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल रिपोर्ट में सप्लीमेंट्री पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनफॉर्मल के अंदर नो प्रेफरेबली पार्ट्स। फॉर्मल इनडायरेक्ट अप्रोच में होती है और इनफॉर्मल जो होती है वो इंफॉर्मेशनल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल एनालिसिस बेस्ड होती है और इनफॉर्मल पर्सनल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक पेपर और टू प्रोवाइड अ लेंथी ओवरव्यू ऑफ अ मेजर चेंज और डेवलपमेंट विद इन आवर बिजनेस। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर अ शॉर्टर डॉक्यूमेंट सच एज मेमोस एंड द न्यूज़लेटर्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर मोर डिटेल्ड, informal reports are less detailed. Formal reports having a set of structure and introduction, body and the conclusion. इसका एक proper structure होता है, यानी हमने start किया introduction के साथ, फिर हमने body लिखी जिसके अंदर हमने within detail each and everything को discuss किया और last फिर हमने conclusion लिखा। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन एनी वे, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को हम किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। Formal reports have a formal tone and use a third person narrative. Formal reports जो है ना वो क्या होती है कि have a formal tone, उसके अंदर formal tone होती है और एक third person narrative का इस्तेमाल किया जाता है। और informal report क्या होती है, most informal reports use first or second person, क्योंकि ये person to person बात होती है तो इसके अंदर हम first person का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। First or second person narrative, although some important reports use a professional tone, it is not required in many cases. Formal reports analyze a specific topic in a great detail. Formal reports के अंदर हमें एक specific topic होता है, हम उसको detail में लिख रहे होते हैं। Informal reports are often very brief and only include the most relevant information. Informal reports के अंदर हम क्या करते हैं कि brief होती है और सिर्फ relevant information को हम देख कर रहे होते हैं। Formal reports also provide evidence to back up the information in the report. हम उस अपनी जो report के अंदर जिस किस्म के भी हमने information create की होती है, हम उसको back करने के लिए अपने evidence का इस्तेमाल करते हैं। Since informal reports are brief, evidence to back up the information is not included in this type of report. Informal report के अंदर क्या होता है कि हम evidence नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमें अपने इन information को back करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा result card, जैसे हमने example दी, अब result card के लिए क्या हमने वहाँ पर paper को हम stamp तो नहीं करते थे कि ये आपका evidence रहा आपके बच्चे की ये report, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं report बना कर दे देते हैं।
Formal reports usually include citation for the sources used to generate the report. हम जो हमारे फॉर्मल रिपोर्ट होती है हम उसके अंदर साइटेशन यूज़ करते हैं, यानी अगर हमने कहीं से इंफॉर्मेशन ली है या हमने किसी को कोट किया है तो लास्ट लास्ट पर जाकर हम वहाँ पर रेफरेंसेस को भी मेंशन कर रहे होते हैं, यानी ये चीज़ें हमने फलां पर्सन ने यहाँ से ली या हमने फलां बुक से ली, फलां का राइटर ये था और उसने ये बुक इतने साल में लिखी, या हम मोस्टली क्या करते हैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अगर कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो डायरेक्टली वहाँ पर चला जाए. Charts, graphs, and statistical information are also common components of a formal report. हम formal reports के अंदर charts, statistical reports, graphics, images, each and everything हम उसके अंदर वो use कर रहे होते हैं. ये हमारा formal reports and informal reports के दरमियान difference था. अब हम इसको देखते हैं कि report का structure क्या होता है. Basically हम जो report लिख रहे होते हैं उसका proper structure होता है. Report writing includes headings, subheadings, अनलाइक ऐसे राइटिंग, यानी ये ऐसे की तरह नहीं होता कि हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखते जाएंगे. इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास हेडिंग और सब हेडिंग्स इंक्लूड होते हैं. इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट. टाइटल पेज इट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड. इट इंक्लूड्स द टॉपिक्स नेम ऑफ द इट इंक्लूड्स द टॉपिक्स नेम ऑफ द पर्सन हु रोट द रिपोर्ट, होम इट इज सबमिटेड, डेट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट सबमिशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने लिखना है, पहले आपने टॉपिक लिखना है, फिर नेम ऑफ द पर्सन, कि नेम ऑफ द पर्सन वो नेम जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम क्या है, हु रोट द रिपोर्ट, अब जो जिस बंदे ने लिखी वो कौन है, होम इट इज़ सबमिटेड, ये किसको सबमिट की जा रही है, योर अथॉरिटी. फिर आपने क्या करना है, फिर इसके डेट ऑफ द रिपोर्ट सबमिशन, जब आप रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हो उसकी डेट क्या है. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जिसको आप लिखने जा रहे हो उसका ऑर्गेनाइजेशन या उसका नाम क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल टॉपिक इज टॉपिक ऑलवेज कॉपी द एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट, नेवर रिफ्रेज इट. द सेकेंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट इज एक्नॉलेजमेंट. Add the name of all those people, whether internal or external, who helped you in the report writing. अब आपने क्या करना है कि इस report writing के अंदर आपको किसी ने भी help out किया है, whether it is from your internal organization or the external one. यानी आपको उस organization के अंदर से किसी ने help out किया है या उससे बाहर अगर कोई आपको help out कर रहा है तो आपने उसको वहाँ पर उसका नाम mention कर देना है. I like to acknowledge the help and the guidance of Dr. Dash and Professor Dash, who have been invaluable source of help. किस तरीके से आपने उनको कोट कर देना, यानी अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इस रिपोर्ट के अंदर हेल्प आउट कर रहा है डॉक्टर फरहान एंड द प्रोफेसर मोहम्मद तारिक, अब मैं उसको किस तरीके से कोट कर रहा हूँ. आई लाइक टू एक्नॉलेज द हेल्प एंड द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर तारिक एंड द प्रोफेसर अहमद, हु हैव बीन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ हेल्प. अब इसका थर्ड पॉइंट है समरी, एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस. इट इज़ नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड. इफ रिपोर्ट इज लेंथी देन ऐड समरी और एब्स्ट्रैक्ट. इसको हम ज़रूरी नहीं होता कि हर रिपोर्ट के अंदर हम इसको ऐड करें, लेकिन जहाँ पर अगर रिपोर्ट क्या नाम है लेंथी होती है तो हम वहाँ पर इसको मोस्टली ऐड कर देते हैं. कंप्लीट समरी ऑफ योर रिपोर्ट, हमने कंप्लीट समरी देनी है, यानी व्हाट इज रिपोर्ट अबाउट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट, व्हाट मेथड आर यूज्ड, आपने कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द रिजल्ट, अब हमारा इस रिजल्ट का कंक्लूजन क्या है. ठीक है, हमने ईच एंड एवरीथिंग को समरी के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस के अंदर हमने इसको समराइज करना होता है. इसके अंदर हम क्यों लिख रहे होते हैं, क्योंकि वी हैव टू प्रोवाइड अ कंप्लीट स्केच ऑफ आवर रिपोर्ट. हमने इसके अंदर कंप्लीट स्केच देना होता है, यूजली रिटन बाय द एंड ऑफ द रिपोर्ट बाय एडेड इन द बिगनिंग. हम इसको क्या करते हैं, मोस्टली हम इसको जब हम अपनी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं उसके लास्ट में हम इसको लिख रहे होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं इसको ऐड हम पहले कर रहे होते हैं. लिखते हम इसको आखिर में हैं, फिर हमने इसको उठा कर जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो हम इसको बिगनिंग के अंदर पुट कर देते हैं. नंबर फोर्थ पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट इज़ कंटेंट पेज.
अब कंटेंट पेज क्या होता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड, ये भी हमेशा हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं, बट एट दिस पॉइंट इफ़ द रिपोर्ट इज़ मोर देन 4 पेजेस, अगर हमारी रिपोर्ट 4 पेजेस से ज़्यादा होती है तब हम इस कंटेंट पेज को उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड द पेज नंबर्स आर एडिंग, अब जो है ना हमने क्या करना है, कंटेंट पेज के ऊपर हमने हेडिंग, सब हेडिंग और पेज नंबर हमने हर जगह पर ऐड करना होता है। सेम हेडिंग एंड सब हेडिंग्स एज आर देयर इन योर रिपोर्ट, ठीक है, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग होती हैं इसी तरीके से आपने कंटेंट पेज के अंदर भी लिखना होता है। आपने मोस्टली देखा होगा हमारी रिसर्चेज होती हैं या हमारी बुक्स होती हैं या हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर एक कंटेंट पेज बना होता है, उसके ऊपर बताया जाता है कि हम इस पूरे आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने वहाँ पर हेडिंग, सब हेडिंग और पेज नंबर वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, जिस तरीके से हमारे बुक के पहले स्टार्ट में हमारा एक कंटेंट पेज हमें दिया जाता है। The fifth point of structuring the report is introduction. 8 to 9% of the whole report consists of introduction and always included. 8 to 9% जो हमारी रिपोर्ट होती है वो हमारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बेस कर रही होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेल्स अबाउट द टॉपिक दैट व्हाट रिपोर्ट इज अबाउट। अब जो हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमें बता रहा होता है कि हमारा जो रिपोर्ट है वो किस चीज़ के बारे में, और ये हमारा रिपोर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यूजली द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, अगर उस चीज़ के बारे में या हम जिस चीज़ पर रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे पहले हम कोई रिसर्च उस चीज़ के अबाउट कंडक्ट हो चुकी है या कोई रिपोर्ट बन चुकी है, हमने कोई ऐसा काम किया हुआ है उसके ऊपर पहले, हम उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को भी वहाँ पर कोट कर रहे होते हैं, यानी कि अब से पहले ये वर्क इस चीज़ पर हो चुका है और हम अब हम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है और हम उस पर किस तरीके से रिसर्च करने जा रहे हैं। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड इंट्रोडक्शन एंड बैड इंट्रोडक्शन। द गुड इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स द टॉपिक सेंटेंस। A good introduction includes the major portion like what the report is about and the objectives of the report. जो एक अच्छा जो अच्छी रिपोर्ट होती है या एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारा जो मेन थीसिस स्टेटमेंट होता है, हमारा मेन थीम होता है या मेन हमारा सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है, हम उसको लिख रहे होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड मेजर पोर्शन, जो रिपोर्ट के मेजर पार्ट होते हैं, यानी उस हमारे रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, ये हमारा मेन पार्ट होता है जिससे हमारा जो रीडर होता है वो समझ जाता है कि जो रिपोर्ट किस चीज़ के अबाउट है, या फॉर एग्जाम्पल हमारी रिपोर्ट बहुत लंबी है, लेंथी है, तो हमारा जो रीडर होगा वो पहला पेज पढ़ के या हमारा ऑब्जेक्टिव पढ़ के, हमारा पर्पस पढ़ के या हमारा टॉपिक सेंटेंस पढ़ के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी टोटल जो ये रिपोर्ट होगी वो किस चीज़ के बारे में है। द बैड इंट्रोडक्शन, इट इज़ टू शॉर्ट, द बैड इंट्रोडक्शन इज़ टू शॉर्ट, द बैड इंट्रोडक्शन इज़ टू लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। इट इज़ ऑफ फाइन लेंथ, ठीक है, इट इज़ ऑफ फाइन लेंथ बट आइडियाज आर नॉट ऑर्गेनाइज, अगर वो अच्छी मतलब उसकी लेंथ एक अच्छी हो लेकिन उसके जो आइडियाज़ हैं, यानी वो हम उसको प्रॉपर वे में कन्वे ना कर सकें, उसका जो इंट्रोडक्शन का पर्पज़ है, यानी हमने उस इंट्रोडक्शन हमने किया क्यों था, हमने इंट्रोडक्शन इसीलिए देते हैं कि हमें बताया जाए कि हमारी जो रिपोर्ट के अंदर लिखा जा रहा है वो क्यों लिखा जा रहा है और जो है ना हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। अगर हम उसको सही ना ले सकें तो हमारा जो है इंट्रोडक्शन बैड इंट्रोडक्शन कहलाएगा। एंड गिविंग टू मच बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बैड, अगर हम इंट्रोडक्शन को भूल जाए और सिर्फ बैड इंट्रोडक्शन यानी सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को ही लिखते रहें, इट विल अफेक्ट आवर इंट्रोडक्शन। द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरिंग द रिपोर्ट इज मेथड्स। इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट टाइप, मेथड्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज विच आर बींग यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। अब जो हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं या रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, इसके अंदर जिस किस्म की भी स्ट्रेटजीज हमने लिखी, जो मेथड हमने यूज़ किए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इट इज़ द रिसर्च रिपोर्ट, वी मे मैंशन द मैथड लाइक क्वान्टिटेटिव मैथड और क्वालिटेटिव मैथड। हमने लिखना है
हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है आया कि हम उसके अंदर क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं या क्वालिटेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है और क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है? अगर आपने एक रिसर्च रिपोर्ट क्रिएट की, आपने एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन गेन की वो डिजिट फॉर्म में है, यानी अगर हम लिखेंगे आर यू सेटिस्फाइड विद योर कैंपस, उसके अगर हम उसके नीचे चार पॉइंट्स बना दें, 1, 2, 3, 4, 5 भी ऐड कर लें, 5 भी लिख लेते हैं, यानी जो ज़्यादा सेटिस्फाइड है वो 5 पे क्लिक करेगा या 5 पे टिक करेगा, इट इज़ द क्वांटिटेटिव बेस्ड डेटा। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन रेज कर दें और नीचे ब्लैंक पेज छोड़ दें और हमसे कहें कि आप इनका आंसर लिखें, तो इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव बेस्ड, ठीक है, क्वालिटेटिव बेस्ड डेटा। द सेवेंथ पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। अब जो लिटरेचर रिव्यू होता है, यानी लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आप जाकर अपने इंटरनेट के ऊपर, अपनी लाइब्रेरी के अंदर कहीं से भी जाकर आप उसके अबाउट पढ़ते हैं या उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, ये आपका लिटरेचर रिव्यू पड़ता है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये आपकी रिपोर्ट पर, रिपोर्ट की टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको उसके अबाउट कितना लिटरेचर रिव्यू करना है। प्रीवियसली, इसको हम कहते हैं प्रीवियसली डन वर्क, द रिसर्च ऑन द टॉपिक यू आर डीलिंग विद, जिस टॉपिक पे आप रिपोर्ट बना रहे हो उसके ऊपर आपने क्या करनी है, रिसर्च करनी है। एड एंड रेफर टू दोज वर्क इन द हेड इन दिस हेडिंग, फिर आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, उनको रेफर करना है, यानी आपने रेफर किस तरीके से करना है, आपने रेफरेंस देना है कि अगर मैंने जो लिटरेचर रिव्यू किया वो मैंने कौन सी बुक से किया। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लिटरेचर किया कि रिचर्ड की बुक है वो 2019 में लिखी गई, उसने वहाँ पर क्या लिखा, उसने लिखा कि भाई, या उसने जो कुछ भी लिखा होगा मेरे टॉपिक के अबाउट लिखा होगा, फिर मैं लिखूँगा रिचर्ड्स बुक 2019 सैड अबाउट द शॉर्टेज ऑफ फूड इज दैट दैट, हम फिर उसको लिखते जाएंगे। द एट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट इज बॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे रिसर्च का, इसको हम मिडल पोर्शन या मिडल पॉइंट या जिस जस्ट हम मिडल भी कहते हैं, इसको बॉडी भी कहते हैं हम। अच्छा, डेटा कलेक्शन एंड द डेटा एनालिसिस ऑलवेज इंक्लूडेड, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, हमने जो डेटा एनालाइज किया है, हमने जो इंटरप्रेट किया है, ईच एंड एवरी थिंग विल बी मैंशन इन दिस पोर्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट, मेजर आइडियाज आर जनरेटेड हेयर, सो इट शुड बी डेल्ट विद मच केयर। द नाइन्थ पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट इज कंक्लूजन, इट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड, आफ्टर द एनालिसिस देयर वुड बी कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट, इट इज़ समवट लाइक इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा कंक्लूजन होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन मोस्ट रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और कंक्लूजन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा होता है हमने उनको रिस्टेट करके कंक्लूजन के अंदर हम लिख रहे होते हैं। कंक्लूजन इज द रिस्टेटमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, नो न्यू आइडियाज इंक्लूडेड हेयर बट इट शुड ऑल्सो नॉट बी द इंट्रोडक्शन एज इट इज़, यानी एज इट इज़ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, आपने उसको रीस्टेट करके आपने अगेन उसको अंदर सिनोनिम्स यूज़ करें, आप उसको एडियोमेटिकली करें, आप कुछ किसी भी तरीके से आपने उसको रीस्टेट करके लिखना होता है। और जो हमारा कंक्लूजन होता है उसके अंदर हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करते, क्योंकि जो हमने इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी होती है तो हमने अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर या हमने अपने मिडिल पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है। हम इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर नहीं लिख सकते। अगर हम इसके अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो इट मीन दैट वी हैव टू डील विद दोज पॉइंट एंड वी हैव टू डिस्कस दोज पॉइंट इन डिटेल फॉर्म, बट कंक्लूजन इज़ नॉट मच लेंथी। हम जो कंक्लूजन होता है वो इतना लेंथी नहीं होता जिसको हम 4-5 पेजेस पर लिखें। अगर हम यहाँ पर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या हम कोई न्यू एक आइडिया लिखते हैं या न्यू कुछ ऐसे हमारे जहन में आ जाता है टॉपिक से रिलेटेड हो या ना हो, यानी हमने अगर टॉपिक से रिलेटेड न्यू पॉइंट्स हम बात कर रहे हो अगर वो न्यू हुआ तो हम वो भी हमने यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि हमें उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा विद ए डिटेल फॉर्म जो कि कंक्लूजन में नहीं होता। द लास्ट द टेंथ पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरिंग द रिपोर्ट इज कॉल्ड recommendations. The recommendation, it is not always included. Recommendation हर दफ़ा हम use नहीं करते,
On the basis of the conclusion, you add recommendations related to your topic, which should be done in the future. अगर आपने क्या नाम है कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई हुई है या ऐसा कुछ कंक्लूड किया है जहाँ पर आपको लगता है कि हमने अब रिकमेंडेशन लाजमी देनी है या हमें रिकमेंडेशन देनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं. द 11th पॉइंट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट इज अपेंडिसेस. ठीक है, अपेंडिसेस सिंगुलर, अपेंडिसेस इज सिंगुलर, अपेंडिक्स इज प्लूरल. ठीक है, अब यहाँ पर उसको मेंशन किया हुआ मैंने. इट इज़ नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड. ठीक है, अपेंडिसेस या अपेंडिक्स हम हर दफ़ा मेंशन नहीं करते. ऑल द टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, अब ऑल द टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट राइटिंग, फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चनेयर्स, टेक्स्ट पेजेस फ्रॉम द बुक्स, पिक्चर, ग्राफ, etc. दीज ऑल आर कॉल्ड अपेंडिसेस. द 12th पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंसेस. The references and the bibliography. Reference, the source you have used. Give a proper reference of that. आपने क्या करना है, जो जो sources आपने use किए हैं आपने उसको उसका reference भी देना होता है. Bibliography, take the idea from them but not used. ठीक है, आपने कहीं से भी ऐसा idea लिया जिसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसको भी वहाँ पर mention करना होता है. The pre-writing strategy for report writing. Pre means before. ठीक है, pre-writing strategies. यानी आपने लिखने से पहले, रिपोर्ट लिखने से पहले जिस जो स्ट्रेटजीज आपने इस्तेमाल की होंगी हम उसको कहेंगे pre-writing strategies for the report writing. Before formally writing report, यानी before formally writing report, some ideas should be kept in our mind. जब हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं हमें पता है हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हमने क्या क्या लिखना है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड के अंदर पहले से होती हैं. ठीक है, अभी हम उनको हम कहेंगे प्री राइटिंग स्ट्रेटजी. जब हम जो उस लिखने से पहले हम जो जो एक्टिविटीज़ टेक प्लेस हो रही होती हैं हम उसको प्री राइटिंग स्ट्रेटजी या प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ रिपोर्ट. पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेलिंग अबाउट रिपोर्ट्स मेजर आइडियाज. ठीक है, आपका जो पर्पस होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है जहाँ पर आप बताएंगे कि आपका जो जो रिपोर्ट है वो किस चीज़ के बारे में है और आप क्या इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट वी मस्ट हैव द आइडिया दैट वाई वी आर राइटिंग रिपोर्ट. हमें पता होना चाहिए कि हम रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं. ठीक है, उसका पर्पस क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट मेथडोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट इज़ डन. ठीक है, हमें पता है जो हमने रिपोर्ट की हुई है वो क्यों की हुई है, हम जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसके अंदर जो मेथडोलॉजीज और एनालिसिस हम लिख रहे हैं वो कैसे करेंगे. ठीक है, ये सारा कुछ हमने पर्पस ऑफ रिपोर्ट में लिखना होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यानी ये इसी वजह से पर्पस ऑफ रिपोर्ट बहुत मायने रखता है. For this paper, you should also know what the nature of the report, whether it is informative or analytical kind of writing. इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी रिपोर्ट रहा है वो आया कि इंफॉर्मेटिव है या एनालिटिकल टाइप ऑफ राइटिंग है. एनालिटिकल मीन एनालिसिस इन द फ्यूचर रिकमेंडेशन, इसके अंदर हम देते हैं. एनालिटिकल हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स के अंदर. द ऑडियंस, ऑडियंस जो है ना ये सेकेंड पार्ट है प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज का. The potential reader of the report, there are two types of audience. अब हमारी जो है ना two types of audience होती हैं. यानी एक जो होती है experts of the subject होती है, जिसको हम लिख रहे होते हैं वो हमारा कुछ एक जो होती है वो expert होती है और दूसरी जो है audience वो layman हो सकती है. Experts of the subject, those who are having perfect knowledge of the subject you are discussing in your report. अब जो experts of subject होंगे जिन यानी कुछ ऐसे होंगे जो जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो, जिसको आप लिख रहे हो वो एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं. वो जो हमारी ऑडियंस होगी हम उस ऑडियंस को कहेंगे एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. और दूसरी है लेमैन. लेमैन ऑडियंस कौन सी होती है, द पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, उसको सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, यानी अबाउट विच यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट. अब जो ऑडियंस होगी उसको नहीं पता होगा कि जो आपकी रिपोर्ट है वो किस चीज़ के बारे में है या उसके पर्पस क्या है. ठीक है, वो ऑडियंस आपके ले मैन कहलाएगी. द थर्ड पॉइंट ऑफ द प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज
is background information. It depends on the potential readers of the report. If the audience consists of experts, then we do not need to dwell on the part of the report at length. But if the potential reader is a layman, then this portion will be dealt with much care. यानी अगर कोई है उस अगर वो एक्सपर्ट है यानी आपकी जो ऑडियंस है वो एक्सपर्ट होंगे तो आपको क्या है ना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी वो उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में पहले जानता होगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ले मैन है जिसको आपके सब्जेक्ट के बारे में आपकी रिपोर्ट के बारे में कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है ये वाला बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वाला पार्ट भी इंक्लूड करना होता है। द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट एट द नीड्स ऑफ द रीडर्स। वी मस्ट कीप इन माइंड द इंटरेस्ट एंड द नीड्स ऑफ द रीडर्स। हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे रीडर्स हैं उनका क्या करना है इंटरेस्ट और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है। What audience want from us, from our report, whether it is information, recommendation, analysis. अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी जो audience है वो हमसे चाहती क्या है, यानी जो चीज़ वो हमसे चाहती है हमने उनको वही चीज़ प्रोवाइड करनी है। अगर इसके अंदर क्लैश हो गया तो वो जो हमारी ऑडियंस होगी वो इसको पढ़ेगी ही नहीं, यानी वो इससे इस्तेफादा ही नहीं हासिल करेगी। अब हमें पता होना चाहिए जो हमारी ऑडियंस है वो हमसे इंफॉर्मेशनल बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट मांगना चाह रही है या वो हमसे रिकमेंडेशन एनालिसिस की ज़रूरत है। देयर आर द डिफरेंट नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रीडर्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस। अब हमारे जो ऑडियंस होती है उनके उनके करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी उसके अंदर जो है ना एज फैक्टर होता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, यानी हमें पता होना चाहिए हम जो है ना हमारे जो है ना यंगर हैं, हमारी ऑडियंस यंगर है, एल्डर है, ले मैन है, एक्सपर्ट है, आया कि वो हैं कौन। वो फीमेल के लिए हम लिख रहे हैं और मेल के लिए लिख रहे हैं। हमें उनका एज ग्रुप सारा कुछ पता होना चाहिए, हमें उनका जेंडर पता होना चाहिए, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो उनकी एजुकेशन है वो कितनी है, आया कि वो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं, उनका सोशल वैल्यू, उनका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ईच एंड एवरीथिंग वी मस्ट बी अवेयर ऑफ। द जनरल टिप्स एंड द लेआउट्स फॉर द रिपोर्ट राइटिंग। द फर्स्ट वन पॉइंट इज इम्पर्सनल एंड द फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ट्राई नॉट टू शो योर पर्सनल ओपिनियन एंड द लाइकनेस एंड द डिसलाइकनेस इन द रिपोर्ट। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दैट, हमने इन रिपोर्ट के अंदर अपनी पर्सनल लाइकनेस, डिसलाइकनेस, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को मैटर नहीं करना, ठीक है। यानी अगर कोई हमारा अपना चाहने वाला हो जिसके खिलाफ हमने रिपोर्ट बनानी है तो हमने वहाँ पर जाके बायस नहीं हो जाना, हमने अनबायस रहना है और हमने फैक्चुअल बेस्ड डेटा प्रोवाइड करना होता है जो कि हमारी रिपोर्ट का एक मेन पार्ट होता है, यानी हम इसको हार्ट ऑफ रिपोर्ट भी कह सकते हैं। फैक्चुअल बेस्ड डेटा के बगैर रिपोर्ट नहीं कहलाती। The second general tip is avoid using the personal pronouns like I and we. ठीक है, personal pronouns का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। The third tip is use proper referencing to validate your perspective. भाई आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऐसी किस्म की इंफॉर्मेशन यूज़ की हुई है, यानी आपने कहीं और से इंफॉर्मेशन गेन की हुई है, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, आइडिया लिखा हुआ है, तो आपने उनको properly reference के तौर पर वहाँ पर लिखना होता है, आपने लाजमी लिखना है। The fourth tip is always avoid generalization of ideas. इसकी example आप इस तरीके से ले लें, जैसे कि everybody says that there is unequal representation of social classes in the Shakespearean dramas. जब आपने बात करनी है, factual based बात करनी है, तो आपने everybody के बारे में बात नहीं करनी कि हर बंदा यही करता है, ठीक है, आपने जनरलाइजेशन ऑफ आइडियाज से आपने अवॉइड करना है। फिफ्थ टिप इज यूज प्रॉपर रेफरेंसिंग टू वैलिडेट योर पर्सपेक्टिव। अगर आपने अपनी कोई बात को वैलिड तौर पर साबित करना है तो आपने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैथिल्डा सेज दैट देयर इज इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल क्लासेस इन शेक्सपियरियन ड्रामा। अब जो है ना हमने रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि मैथिल्डा सेज, पहले जो हमने बात कही थी वो एवरीबडी सेज के तौर पर कही थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका फ़र्क समझ आ गया होगा।
do read your report aloud, whether alone or with your friends. It will help you to find your mistake. आपने क्या करना है, आपकी जो रिपोर्ट होगी आपने ऊंचा ऊंचा उसको पढ़ना है. Whether you are alone or you are with your friends, you have to read aloud. इससे आपको अपनी mistakes का पता चल जाता है. Always use spell checker, but do not over rely. आपने spell checking पर उस पर rely नहीं करना होता, because क्योंकि यहाँ पर आपको मैं example देता हूँ. यहाँ पर लिखी हुई है, there are many marquees in the Multan. And there are many marquees in the Multan. अगर आप spelling checker यूज़ करेंगे ना, तो उसके अंदर there की spelling दोनों में सही लिखे होंगे. According to the situation, कौन सा there इस्तेमाल होगा ये आपको पता होगा, ना कि spell checker को. Do not use grammar checker. It can lead towards mistakes of grammar. फिर आपने grammar checking भी यूज़ नहीं करनी, ये भी आपके लिए mistakes को create कर सकता है. Do not use lengthy kind of statements or sentences. Use simple vocabulary and structure to avoid mistakes. आपने क्या करना है, lengthy sentences को इस्तेमाल नहीं करना, यानी आपने बड़े बड़े sentences को इस्तेमाल नहीं करना. Simple vocabulary लिखें. Reports के अंदर हमेशा हम short sentences का इस्तेमाल करते होते हैं. Always use same tense verbs. Do not switch to different sentences unless it is the requirement of the report. Do read properly after the writing of report is done and make a list of the recurrent mistakes and check your mistakes in your report overall. आपने क्या करना है कि अपने रिसर्च रिपोर्ट को या अपनी जो रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हो, आप जब लिख लें इसको कम्प्लीट तौर पर इसको पढ़ें और उसके अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हों आप उसको सही कर सकते हैं. ग्रामर इज़ अ वाइटल पॉइंट इन रिपोर्ट. इफ ग्रामर मिस्टेक इज योर ग्रामर इज वीक, देन डू आस्क फॉर द हेल्प. फिर आपने क्या करना है, हेल्प के लिए कॉल आउट करनी है. Do check your title page as everything written properly. अपने title page को check करें कि हर चीज़ अच्छे से लिखी हुई है. Do check the content page. फिर आपने अपने content page को check करना है कि आपने जो content page बनाया हुआ उसके अंदर each and every heading आपने वहाँ पर लिख ली है, each and every subheading heading आपने वहाँ पर लिखा हुआ है, आया कि जो आपने numbers दिए हुए हैं page number वहाँ पर mention किए हुए हैं वो भी सही हैं कि नहीं है. Are the pages of report numbered? क्या आपने तमाम तर पेजेस को नंबर कर लिया है. अवॉइड फैंसी काइंड ऑफ द फॉन्ट स्टाइल्स. आपने जो है ना सिंपल स्टाइल रखना है. टाइम्स न्यू रोमन जो है वो मोस्टली इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट है, यानी आपने वहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए या आपने फैंसी काइंड ऑफ जो होते हैं फॉन्ट्स उनका इस्तेमाल कम से कम करना है. आपने एक फॉर्मल रिपोर्ट सबमिट करनी है तो आप उसमें प्रोफेशनल रहें. आर द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स प्रॉपरली हाईलाइटेड. अपनी जो हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग हैं उनको बोल्ड फॉर्म में हाईलाइट कर दें. यूज़ अ बोल्ड स्टाइल फॉर राइटिंग वेयर नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट. जहाँ पे आपको लगे कि आपका जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है, आप उनको बोल्ड करना है, या आपने फॉर्म कहीं पे अपने हेडिंग लिखी है, या आपने कहीं पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कहीं पे आपका मेन वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आप उनको बोल्ड कर दें. Follow the proper format and the style shared by the boss or the organization. आपने proper format इस्तेमाल करना है जो आपको जो कि आपसे कहा गया है. अब content based जो है ना जितनी जल्दी टिप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ. All the major ideas clear. यानी आपने content के अंदर जाकर check करना है कि तमाम तार ideas आपने clear तौर पर लिखे हुए हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई mistake तो नहीं है, कहीं पे ambiguity तो नहीं है, कहीं पे problems तो create नहीं हो रही, ये सारा कुछ आपने वहाँ पर check करना है. If your report properly addressing the main question. फिर आपने अपनी जो रिपोर्ट क्लियरली जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोग देखें कि आपकी जो रिपोर्ट है आया कि वो अपना जितना भी आप लोगों ने लिखा है वो ईच एंड एवरीथिंग वो आपके मेन पॉइंट आपके थीसिस स्टेटमेंट या आपका जो मेन हेडिंग थी उससे रिलेटेड है या नहीं है. डू यू योर सेल्फ अंडरस्टूड व्हाट यू हैव रिटन इन योर रिपोर्ट. क्या आया कि आप इस चीज़ से बखूबी अवेयर हैं जो चीज़ें आपने वहाँ पर लिखी हैं, क्या आपको वो चीज़ें सारी समझ आ रही हैं. अगर नहीं आ रही तो आप उसको अगेन चेंज कर सकते हैं. अब टेक्स्ट के अबाउट कुछ जनरल टिप्स हैं, यानी आप जो टेक्स्ट वहाँ पे अपने यूज़ करने जा रहे हैं वो कौन कौन से होंगे. डज द इंट्रोडक्शन हाईलाइट मेन आइडियाज़ ऑफ रिपोर्ट.
यानी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मेन आइडियाज़ को हाईलाइट कर रहा है या नहीं। यानी हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर यही होता है कि हम अपनी जो राइटिंग है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या वो आपके आपका मेन पॉइंट के साथ डील कर रहा है या नहीं कर रहा। डज द इंट्रोडक्शन एड्रेसेस द मेन क्वेश्चन ऑफ द रिपोर्ट प्रॉब्लम और नॉट, क्या आपका इंट्रोडक्शन आपके मेन पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं, उसको एड्रेस कर रहा है या नहीं। Try to check all the tables and the figures whether they are given proper caption. आपकी जो figures हैं, आपकी जो tables होंगी, आपकी images होंगी, आपने जितनी भी किस्म के graphs वहाँ पर use किए हैं, आपने graphics use किए हुए हैं, आपने सब कुछ check करना है, क्या आपने उनकी heading सही दी हैं, क्या आपने उनको caption कर दिया है कि ये कौन सी चीज़ें हैं। यानी आपने आपको कोई इमेज मिलती है उसके नीचे छोटे सी उसको उसको डिफाइन किया होता है कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, उसको हम कहते हैं कैप्शन। आपने सारी चीज़ें चेक करनी है कि ईच एंड एवरी थिंग इज इन अ प्रॉपर वे और नॉट। डज द कंटेंट प्रॉपरली कन्वे द रेफरेंसिंग और नॉट, आपका जो कंटेंट है वो रेफरेंस को प्रॉपरली कन्वे कर रहा है या नहीं। डज द टेक्स्ट इंक्लूड ऑल द हेल्पिंग मटेरियल इन योर रिपोर्ट, क्या आपका जो टेक्स्ट है या आपका जो टोटल रिपोर्ट है उसके अंदर हेल्पिंग मटेरियल है उसको आपने इंक्लूड किया हुआ है या नहीं। द सम टिप्स अबाउट द रेफरेंसिंग, यानी कुछ टिप्स ऐसी हैं जो रेफरेंस के अबाउट हैं, आपने रेफरेंस किस तरीके से देने होते हैं। डज द रिपोर्ट इंक्लूड ऑल द रेफरेंसेज, आपने अपने रिपोर्ट को चेक करना है कि इसके अंदर तमाम तर रेफरेंसेज आपने कोट कर दिए हैं या नहीं किए हुए। द सेकेंड पॉइंट इज योर स्टाइल ऑफ एडिंग और कोटिंग रेफरेंस कंसिस्टेंट, क्या आपने कंसिस्टेंटली जो जो आपने वहाँ पर आपने किसी को रेफर किया हुआ है, आपने किसी भी पॉइंट या कोई भी बुक से आपने मटेरियल लिया हुआ है, क्या आपने कंसिस्टेंटली उसको ऐड किया हुआ है, आपने कोटेशन मार्क ऐड किया है तो वहाँ पर आपने उसका जो राइटर है आपने उसका नेम लिखा है या नहीं लिखा, आपने ऑथर नेम, आपने उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सबसे पहले आपने ऑथर नेम लिखना है, फिर आपने ईयर लिखना है, फिर उसकी बुक का नेम लिखना है और द मेन ऑफ द सर्च आर्टिकल योर ईयर ऑफ पब्लिकेशन डिटेल, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिखना होता है। यानी आपका ऑथर कौन है, उसका ईयर कौन सा था, यानी जो ऑथर है उसकी तारीख पैदाइश कौन सी है, कब वो मरा, कब पैदा हुआ, फिर आपने बुक का नाम लिखना है, बुक की डेट लिखनी है, फिर आपने जो है ना उसकी बुक की पब्लिकेशन डेट जो होती है वो उस पब्लिकेशन के अबाउट ईच एंड एवरी थिंग वहाँ पर रेफरेंसिंग के तौर पर लिखना होता है। डू यू हैव गिवन द क्रेडिट इट टू द रिसर्चर ऑफ रेफरिंग ऑल देम इन द रेफरेंस, यानी हम जो रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं हम उनको क्रेडिट दे रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी लिखी हुई हैं और हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन की है। स्टाइल, हैव यू अवॉइडेड कॉलोकियल स्टाइल इन योर रिपोर्ट, ठीक है, हैव यू अवॉइडेड बीइंग पर्सनल इन योर रिपोर्ट, आपने वहाँ पर पर्सनल नहीं होना, आपने वहाँ पर फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप प्रोफेशनल रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपने वहाँ पे एवरीडे इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वहाँ पर जो है ना स्लैंग्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। यानी अगर फॉर एन एग्जांपल आप प्रिंसिपल को बात खत लिख रहे हो या आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट लिख रहे हो तो आप वहाँ पर माई डियर फ्रेंड, यार, ये वो आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, आपने वहाँ पर प्रोफेशनल वे में लिखना होता है। Is your style consistent throughout the report? आपका style throughout the report consistent रहा या नहीं, या आपने अपनी throughout the style चेंज करते रहे। Some tips about the grammar, spelling and the punctuation. Have you checked your grammar in your report? क्या आपने अपनी इस report के अंदर grammar को check किया है या नहीं। Whether have you been consistent इन द यूज़ ऑफ टेंस, क्या आप इन टेंस के इस्तेमाल में कंसिस्टेंट रहे या नहीं। यानी आपने अगर रिपोर्ट लिखी है थ्रू आउट द रिपोर्ट आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है, या आप थ्रू आउट द रिपोर्ट आप उसके साथ कंसिस्टेंट रहे या नहीं। हैव यू अप्लाइड द स्पेल चेकर, आपने फिर देखना है कि आपने कहीं पर स्पेल चेकर का इस्तेमाल तो नहीं किया। हैव यू चेक योर स्पेलिंग एट योर ओन, क्या आपने अपनी स्पेलिंग बजाते खुद चेक की है या आपने ऑनलाइन ग्रामर चेकर और ऑनलाइन स्पेलिंग चेकर का इस्तेमाल किया है।
हैव यू यूज पंक्चुएशन प्रॉपरली और नॉट, क्या आपने पंक्चुएशन को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किया या नहीं, स्पेशली कॉमास, कॉमास पे आपने स्पेशल तौर पर ध्यान रखना होता है। ओवरऑल ट्राई टू चेक योर रिपोर्ट ओवरऑल एट द एंड, आपने आखिर पर आकर क्या करना है, आपकी जो रिपोर्ट होगी आपने ओवरऑल उसको चेक करना है कि कहीं पर कहीं किसी किस्म की मिस्टेक तो नहीं है। ये था आपका जो टॉपिक था रिपोर्ट राइटिंग, उसके अबाउट आपका लेक्चर था जो मैंने आपको डिलीवर किया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आखिर में आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये आपको लेक्चर समझ आ गया हो और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कमेंट के अंदर नीचे वहाँ पर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने वहाँ पर मुझे भी फीडबैक देना है कि आपको ये लेक्चर मेरा कैसे लगा, अच्छा लगा तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।